कश्मीर में एक बार फिर आतंकी फन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तीन दिन में आतंकियों ने 3 टारगेटेड किलिंग को अंजाम दिया। दहशत फैलाने के लिए घाटी में बचे खुचे आतंकी निहत्थे लोगों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन सेना ने भी उन्हें कुचलने की पूरी तैयारी कर ली है। बारामूला में हेड कांस्टेबल की हत्या करने वाले आतंकियों की तलाश जारी है। किसी भी वक्त आतंकियों को पकड़कर उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। सात बहनें अम्मी हैं, अब और कोई नहीं है, बस वही एक देख कमाने वाली, अब कोई भी नहीं है। अब हम सात बहनें, मेरी माँ है और कोई नहीं है। जिस घर में शहनाई बजने की तैयारी चल रही थी, वहाँ आज चीख पुकार की ये आवाज आपका सीना चीर देगी। बारामूला में आतंकियों ने मंगलवार की शाम जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार की घर की दहलीज पर गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया। घर में गुलाम मोहम्मद डार ही एकमात्र कमाने वाले थे। उनके जाने के गम में उनकी पत्नी और 7 बेटियों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। घर में बड़ी बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी, इसलिए घर की रेनोवेशन का काम किया जा रहा था। बीती शाम शहीद मोहम्मद डार घर से एक मजदूर को छोड़ने के लिए निकले, लेकिन जब वापस आए तो चौखट पर ही उन्हें आतंकियों ने एक के बाद एक 5 गोलियां मार दी। सात बहनें अम्मी हैं, अब और कोई नहीं है, बस वही एक देख कमाने वाली, अब कोई भी नहीं है। अब हम सात बहनें, मेरी माँ है और कोई नहीं है। अब क्या चाहते हैं सरकार से, क्या चाहते हैं? हमें बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हमला करने के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। घायल गुलाम मोहम्मद डार को अस्पताल में भर्ती तो कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। फरार आतंकियों की तलाश में सेना ने घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। गुलाम मोहम्मद डार को कल शाम 6:30 गोली मार दी गई है। ये उनका मकान है और ये गेट, इस गेट पर वो मोटरसाइकिल पर यहाँ पर सवार थे। यहाँ पर आप ब्लड के निशान भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो ब्लड लगी हुई है, 5 गोलियां उनकी बॉडी पर लगे। शहीद हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार 25 साल से जम्मू कश्मीर पुलिस में अपनी सेवा दे रहे थे। वो रोज बारामूला से श्रीनगर ड्यूटी के लिए जाते थे। वो बेहद मिलनसार और शांत स्वभाव के थे। डार की हत्या से उनके पड़ोसी हैरान हैं, तो वहीं आतंकियों की कायराना हरकत पर गुस्से में भी हैं। उसको 2-4-5 फेर मारा था, उसको इधर हार्ट पे मारा था, इधर बाजू पे, इधर इस पे लगाया था। बहुत ही बुरा, मुझे लग रहा है बहुत ही बुरा, इन बेटियों के साथ हो गया ऐसा, ये जुल्म किया है। 7 बेटे, इसको क्या किया था इसने? बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। ऐसा इंसान तो मुश्किल से मिलता। वो कहते हैं ना, नर हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। ऐसे इंसान थे वो। विश्वास नहीं होता है कि ये मर गया, खुदा की कसम अभी भी विश्वास नहीं है। ऐसे ऐसे आदमी मर गया, हमारे दोस्त छीन गया। कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। 3 दिनों में 3 टारगेट अटैक हुए, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। पहले पुलवामा में आतंकियों ने 29 अक्टूबर को यूपी के मजदूर को गोली मार दी थी। इसके बाद श्रीनगर में 30 अक्टूबर को क्रिकेट खेल रहे पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी को गोली मारकर घायल कर दिया, और अब 31 अक्टूबर की शाम बारामूला में जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार को बारामूला स्थित ही उनके अपने घर के बाहर गोली मार डाली। डार को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया।
पिछले तीन दिनों से लगातार तीन हमले हुए हैं। सबसे पहला हमला श्रीनगर के ईदगाह में हुआ, जहां मसरूर अली एक इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो थे उनको फायर किया गया जब वो क्रिकेट खेल रहे थे। उन्हें तुरंत श्रीनगर के मेडिकल इंस्टीट्यूट में लिया गया, जहां वो अभी आईसीयू में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। और फिर उसके दूसरे दिन ही एक प्रवासी मजदूर को निशाना बनाया गया पुलवामा में और उसकी मृत्यु हो गई। और फिर तीसरे दिन यहाँ पर गुलाम मोहम्मद डार हेड कांस्टेबल को यहाँ बिल्कुल जो है गोली मार दी गई, पांच गोलियाँ उन्हें मार दी गई और जब तक उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया जाता उनकी मृत्यु हो गई। कश्मीर में एकाएक बड़ी आतंकी वारदातों पर सेना ने इशारों में पाकिस्तान को चुनौती दी और शांति बिगाड़ने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसी नकलो हरकत को ना तो खुदा ताला माफ कर सकता है, ना लोग माफ करेंगे और ना ही हम माफ करेंगे। मुझे लगता है कि जल्द ही पुलिस इस केस को निकाल के ऐसे जो दोषी इसमें मुलव्वस हैं उनको सजा देगी, वाकिफ सजा देगी। इस तरह की वारदातें बीच बीच में होती हैं, वो इसी का नतीजा है, क्योंकि पड़ोसी के पेट में दर्द होती है। वहां पर एजेंसियां जिन्होंने लंबा अरसा दहशतगर्दी और खून खराबे का नंगा नाच खेला है, उनको जहां का अमन पसंद नहीं है, जहां पर लोगों की शांति और तरक्की पसंद नहीं है। बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बारामूला से आतंकियों के चार मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। जिस तरह से टारगेटेड किलिंग को अंजाम दिया जा रहा है, इसके बाद सेना ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। लगातार आतंकियों के साथ साथ उनके मददगारों के ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है और बारामूला से आतंकियों के चार मददगार गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। मौत की सजा पाए भारतीयों की अपील का समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इस बीच भारत ने कानूनी तरीके के साथ साथ डिप्लोमेटिक रास्ते से भी अपने नागरिकों को छुड़ाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। कानूनी प्रक्रिया से उनकी सजा रोकने की कोशिश जारी है, लेकिन उन्हें भारत वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति काम आ सकती है। यूएई में होने वाली COP28 की बैठक में 8 भारतीयों को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। जब मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमाद, 8 भारतीयों की रिहाई पर बन जाएगी बात। कतर में मौत की सजा पाए 8 भारतीयों की सकुशल देश वापसी को लेकर पूरा देश चिंतित है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने एक कदम से पूरे देश को उम्मीद की नई किरण दे सकते हैं। दरअसल पीएम मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद के बीच अगले एक महीने में आमने सामने की मुलाकात हो सकती है। ये मुलाकात हो सकती है वर्ल्ड क्लाइमेट समिट यानी COP28 की बैठक के दौरान। कतर की कैद में मौजूद 8 भारतीयों की रिहाई के लिए भारत जहां तमाम कानूनी विकल्पों को तैयार कर रहा है, तो साथ ही कूटनीतिक और राजनीतिक कोशिशों के दरवाजे भी खुले रखे जा रहे हैं। ऐसे में एक महत्वपूर्ण मौका भारत के हाथ यूएई में होने वाली COP28 की बैठक में लग सकता है। दुबई में होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे और साथ ही कतर के अमीर भी इस बैठक के लिए वहां पहुंचेंगे। ऐसे में दोनों नेताओं की मुलाकात से 8 भारतीयों के लिए रियायत का रास्ता खुल सकता है। संयुक्त अरब अमीरात में 30 नवंबर से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP28 शुरू हो रहा है, लेकिन राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग का दौर 1 और 2 दिसंबर को होगा। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, जिसकी सहमति वो पहले ही दे चुके हैं। मीटिंग में दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हैं। चूंकि सम्मेलन यूएई में हो रहा है, तो खाड़ी के देश कतर के अमीर हमाद के भी पहुंचने की पूरी उम्मीद है। अगर तब तक कतर की जेल में बंद 8 भारतीयों की रिहाई पर कानूनी तरीके से जीत नहीं मिली, तो प्रधानमंत्री मोदी COP28 समिट में कतर के अमीर से आमने सामने बात कर 8 भारतीयों की रिहाई का मुद्दा उठा सकते हैं। लोग यही मान रहे हैं कि इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा, चाहे वो ईद पे या वहाँ के जो अमीर हैं, जो शेख हैं, उन जो शासक हैं, उनकी उनके जन्मदिन पर वो कैदियों को छोड़ते हैं या उनकी दंड कम करते हैं, तो उसमें अगर हुआ तो वो उनके लिए एडवांटेजेस हो जाएगा कि अगर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल जाए तो उनको भारत लाया जा सकेगा या भारत की जेलों में रखा जा पाए। फांसी की सजा पाने वाले 8 भारतीयों की अपील पर 15 दिन का समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सजा के ऐलान के बाद से अब तक 6 दिन बीत चुके हैं और अपील के लिए अब 9 दिन का समय बचा है। 8 भारतीयों के पास कतर की ऊपरी कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील या पुनर्विचार याचिका दायर करने का विकल्प है। वहां पर भी अगर पक्ष में फैसला नहीं आता तो कतर की सुप्रीम कोर्ट यानी कोर्ट ऑफ सेसेशन में जा सकते हैं।
इसके बाद कतर के अमीर के पास दया याचिका लगाने का भी विकल्प मौजूद है। मतलब सजा पर आखिरी फैसला कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी को ही करना है। कतर से कानूनी और राजनयिक बातचीत करने के लिए सरकार ने एक ऐसे वरिष्ठ राजनयिक को वार्ताकार बनाया है जिसे कतर में राजनयिक तौर पर काम करने का अनुभव है। अगर किसी तरह से भारत और कतर के बीच सीधी बातचीत से मुद्दा हल नहीं हुआ तो भारत तीसरे देश को इसमें शामिल करने से गुरेज नहीं करेगा, लेकिन ये विकल्प भारत के आखिरी विकल्प में से एक होगा। भारत की कोशिश है कि कानूनी विकल्पों के साथ साथ कूटनीतिक प्रयासों का दायरा भी बढ़ाया जाए। इसमें अमेरिका और फ्रांस भारत के लिए बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। इन दोनों ही देशों के कतर के साथ काफी अच्छे रिश्ते हैं। इसके अलावा कुवैत और ओमान भी भारत के लिए बड़े सहायक साबित हो सकते हैं, ताकि कतर पर दबाव बनाया जा सके और 8 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। भारत और फ्रांस कतर के सामरिक सहयोगी हैं। अमेरिका का सैन्य बेड़ा कतर में मौजूद है, वहीं कतर ने भी फ्रांस से कई रक्षा सौदे किए हैं। ऐसे में भारत की आखिरी कोशिश होगी कि अमेरिका या फिर फ्रांस के जरिए कतर पर दबाव बनाया जाए। कतर भारत का कोई दुश्मन नहीं है, भारत के साथ उसकी दोस्ती है, आर्थिक रिश्ते हैं। भारत की करीब 40% गैस की सप्लाई कतर से होती है। करीब 7,00,000 भारतीय वहाँ काम करते हैं। कतर के साथ अच्छे संबंध भी भारतीयों को छुड़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देशहित में बात करते हैं महाराष्ट्र में चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलन की। ये आंदोलन महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के लिए अग्नि परीक्षा है। महाराष्ट्र सरकार ने आज सभी दलों के साथ बैठक की ताकि इस मुद्दे पर आम सहमति बन पाए। सरकार ने मराठा आंदोलनकारियों को मनाने की कोशिश की, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही है। उल्टा अब ओबीसी समाज के भी विरोध की आशंका बढ़ गई है, और ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर आरक्षण की ये आग कब बुझेगी और इससे किसको सियासी फायदा या नुकसान होगा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की आग बीते दो दिनों के मुकाबले थोड़ी कम जरूर हुई, लेकिन अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। मराठा आंदोलनकारियों ने बुधवार को पुणे में भी प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने पुणे बेंगलुरु हाईवे पर टायर जलाकर शिंदे फडणवीस सरकार को चेतावनी दी कि जल्द से जल्द उन्हें आरक्षण चाहिए। जलते टायरों से उठते काले धुएं के बीच कुछ कार्यकर्ता आंदोलन का झंडा लहराते नजर आए। दो दिनों की हिंसा और आगजनी के बाद जगी महाराष्ट्र सरकार ने सुबह सभी दलों की बैठक बुलाई। बैठक में शरद पवार समेत 32 पार्टियों के नेता शामिल हुए और बैठक करीब 3 घंटे तक चली। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता इस बात पर सहमत हो गए कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। ये आरक्षण कानून के दायरे में हो और किसी दूसरे समाज के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए। या बैठकी मध्ये अतिशय विस्तृतपणे चर्चा झाली। या बैठकीत ऍडव्होकेट जनरल पण होते आणि सर्व आपले अधिकारी संबंधित अधिकारी होते। यामध्ये चर्चेमधून मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे ही भूमिका जी सरकारची आहे। दरअसल मराठा आंदोलनकारियों को फौरी तौर पर मनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। ये कोशिश है मराठा समाज को ओबीसी में आने वाले कुनबी समाज में शामिल करने की। इसके लिए शिंदे सरकार मराठा समाज को कुनबी जाति का प्रमाण पत्र दे रही है। शिंदे सरकार चाहती है कि कुनबी समाज में शामिल कराकर मराठा को आरक्षण दे दिया जाए, क्योंकि शिंदे सरकार महाराष्ट्र में 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा को बढ़ा ही नहीं सकती। शिंदे सरकार ने मराठा समाज को कुनबी जाति का प्रमाण पत्र देने का फैसला एक दिन पहले ही कर लिया था, और बुधवार से मराठा समुदाय के लोगों को कुनबी जाति का प्रमाण पत्र भी मिलना शुरू हो गया। शिंदे सरकार के इस फैसले से आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे बहुत खुश नहीं हैं। पिछले 8 दिनों से वो भूख हड़ताल पर हैं। मराठा समाज को कुनबी जाति का प्रमाण पत्र मिलने के बावजूद उन्होंने अभी तक अपनी भूख हड़ताल खत्म नहीं की है। कायदा पारित करने के लिए आधार चाहिए था, दस्तावेज का, यानी कि पुरावे का। वो तो मिल गए आपको, फिर क्यों नहीं दे रहे आप महाराष्ट्र को पूरे आप कुनबी प्रमाण पत्र ओबीसी में क्यों नहीं देते? आपने बोला था पुरावा लेने के बाद अहवाल बना के हम दे देंगे, आप क्यों नहीं दे रहे? आप थोड़े ही लोगों को दे रहे, ये मान्य नहीं, हमको मान्य रहेगा नहीं, आंदोलन रुकेगा नहीं। क्योंकि मौजूदा सरकार मराठा समाज के कुछ लोगों को ही कुनबी प्रमाण पत्र दे रही है, इसलिए मनोज जरांगे को ये फैसला मंजूर नहीं। उन्होंने फिर से धमकी दी है कि वो एक बार फिर जल का त्याग कर देंगे। इस बीच जिस कुनबी जाति में मराठा समाज को शामिल किया जा रहा है वो भी शिंदे सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं है।
कुणबी समाज और ओबीसी समाज के लोग भी इस फैसले के खिलाफ विरोध पर आ गए हैं। यह तो हमारी भी मांग है कि मराठा समाज के आप पूर्ण सर्वेक्षण कर सकते हैं तो ओबीसी का भी करना चाहिए। तो ओबीसी का भी जो इम्पीरियल डेटा जो है ना वो जमा करके ओबीसी का जो 32,000 सीट जो कम हुए है वो वापस ओबीसी को देना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे महाराष्ट्र में ओबीसी की कोई सुन नहीं रहा है। ओबीसी खतरे में है, उनकी जान और प्रॉपर्टी भी खतरे में है। उनके घर को टारगेट किया जा रहा है, उनके शॉप्स को टारगेट किया जा रहा है, उनके रेस्टोरेंट को टारगेट किया जा रहा है। ये जो है ये स्थिति महाराष्ट्र में इसके पहले कभी हुई नहीं थी। मतलब शिंदे सरकार के फैसले से मराठा समाज पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और अब तो ओबीसी जातियों में भी नाराजगी बढ़ने लगी है। वहीं शिंदे सरकार के पास ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि वो मराठा समाज को अलग से आरक्षण दे पाए। ऐसे में शिंदे सरकार अभी धर्म संकट में है। राजनीतिक दल भी आगे सरकार को परेशान करने की तैयारी में है। एक तरफ एनसीपी शरद पवार गुट के नेता मुख्यमंत्री की सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए तो दूसरी ओर एनसीपी के नेता मराठा आंदोलनकारियों के समर्थन में खड़े दिखे। एनसीपी शरद पवार गुट के नेताओं ने विधानसभा के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर नारेबाजी की। जिस तरह की मांगे मनोज जरांगे पाटिल इन्होंने रखी है इस मांग को लेकर जो है वो फिलहाल सरकार गंभीर है, लेकिन सरकार को भी समय चाहिए क्योंकि मराठा आरक्षण जैसा बड़ा मुद्दा है। सबसे अगर हम ध्यान में रखें तो पूरे महाराष्ट्र में एक सबसे बड़ा आंकड़ा जो है वो मराठा समाज का है। अगर इतने बड़े समाज को आरक्षण लेना है तो जिसके लिए पूरी तरह से जो है वो कानूनी तौर पर जाँच पड़ताल होना भी जरूरी है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो है वो और समय लग सकता है और वही समय फिलहाल सरकार मांगते हुए नजर आ रही है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की आबादी करीब 4 करोड़ है, इसमें से काफी संख्या में लोग भूमिहीन भी हैं। राज्य में ओबीसी को 19% आरक्षण मिला हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने पहले से आरक्षण में शामिल कुणबी जाति में मराठा को तो शामिल कर दिया है, लेकिन शिंदे सरकार का ये फैसला कहीं महाराष्ट्र में जातियों के बीच लड़ाई की वजह न बन जाए इसकी आशंका है। मुंबई से वैदही काणेकर और जालना से अश्विन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। मराठा आरक्षण पर आपको कुछ ऐसे सवालों के जवाब देते हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं। इन जानकारियों के साथ ही आपको मराठा आरक्षण की ABCD समझ में आ जाएगी। सवाल है कि मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों की मांग है क्या? जवाब है, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में मराठाओं को 16% आरक्षण की मांग की जा रही है। दूसरा सवाल, मराठा आरक्षण पर शिंदे सरकार के सामने क्या अड़चन है? तो इसका जवाब है, 2021 में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने मराठा आरक्षण पर रोक लगाई क्योंकि आरक्षण की कुल सीमा 50% से ज्यादा संभव नहीं है। सवाल है, मुख्यमंत्री शिंदे कैसे आंदोलनकारियों को मना रहे हैं? जवाब है, मराठा समाज को कुणबी समाज में शामिल करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन भी दाखिल की गई है। सवाल है, क्या शिंदे की कोशिश से मान जाएंगे आंदोलनकारी? तो इसका जवाब है, आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे ने यह कहा है कि जब तक पूरा आरक्षण नहीं मिलता तब तक आंदोलन रुकेगा नहीं। ऐसे में और एक सवाल है कि क्या कुणबी जाति अपने हिस्से का आरक्षण मराठाओं को देगी? जवाब है, कुणबी जाति के नेताओं ने कहा कि ओबीसी में से आरक्षण ना दे सरकार। इजराइल की बमबारी में हमास के आतंकियों का लगातार सफाया हो रहा है। जमीन से आसमान तक IDF के जवान हमास को मिटाने के लिए डटे हुए हैं। गाजा पट्टी में भारी तबाही का दौर जारी है। वहीं हमास के सबसे बड़े हिमायती ईरान ने आतंकी संगठन हूती का नाम लेकर इजराइल को धमकाया है। क्या है ईरान की धमकी और इस पर इजराइल का क्या रुख है, इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। टैंक के साथ आगे बढ़ते इजरायली फोर्स के जवान गाजा पट्टी में चुन चुन कर हमास के आतंकियों को ठिकाने लगा रहे हैं। पैदल सेना मोर्चे पर है और एडवांस हथियारों के साथ आतंकियों पर कहर बनकर टूट रही है। हमास के गढ़ में जारी जंग के बीच ईरान ने एक बार फिर इजरायल को धमकी दी है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर इसराइल ने गाजा पट्टी पर हमले नहीं रोके तो हूती के आतंकी भी इसराइल पर अटैक कर देंगे। ईरान ने गाजा पट्टी में हो रही बमबारी के लिए अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहराया है। ईरान ने धमकी दी और हूती ने दावा किया कि रेड सी में उसने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। इस हमले की बात इसराइल ने भी मानी है और रेड सी में मिसाइल बोट की तैनाती की है। इसराइल ने यह भी दावा किया है कि हमले में किसी की जान नहीं गई। ממשיכים להעמיק את הפעולה ברצועת עזה באופן משמעותי בצורה קרקעית בצפון הרצועה. במהלך הלילה לוחמי צה"ל ניהלו קרבות משמעותיים, ביניהם אחד הקרבות ממבנה קומות באזור ג'באליה, ירו מחבלים לעבר כוחות שלנו בשטח.
गाजा पट्टी पर इसराइल बम भी बरसा रहा है और जमीनी जंग भी तेज कर दी है। इस बीच इसराइल और हमास के बीच आरोपों की जंग भी लगातार जारी है। इसराइल ने अपना ऑपरेशन तेज किया है, आतंकियों को मारने के लिए उसके तमाम ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं। वहीं हमास ने दावा किया है कि इसराइल ने एक रेफ्यूजी कैंप पर हमला किया, इसमें कई लोग मारे गए, जबकि इसराइल ने इन आरोपों को निराधार बताया है और हमले में आतंकियों के मारे जाने की बात कही है। हमास ने यह भी कहा है कि IDF की एयर स्ट्राइक में गाजा तबाह हो गया, जबकि इसराइल ने साफ किया है कि हमास के आतंकी गाजा पट्टी के बेकसूर लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सिनवार וכל בכירי חמאס מנסים לייצר תמונה של עזה הרוסה ועזתים הרוגים באשמת ישראל ואשמת צה"ל. הם לא יצליחו להסתיר את האשמים האמיתיים, הם עצמם שהמיתו אסון על עזה. גאזה פטי के साथ ही इजरायली सेना लेबनन बॉर्डर पर भी तैनात है और हिजबुल्ला के आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। IDF के जवान लेबनन सीमा पर डटे हुए हैं और हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। हमास हो, हिजबुल्ला हो या फिर हूती, इजरायली फोर्स ने साफ किया है कि आतंकियों को सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। IDF ने एयर स्ट्राइक के जरिए हमास की सेंट्रल जबालिया बटालियन के कमांडर इब्राहिम बयारी को भी मार गिराया। बयारी 7 अक्टूबर को हुए जानलेवा आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों में से एक था। זאת תהיה גם מלחמה ארוכה. יש לנו בה הישגים חשובים, אבל גם עבידות כואבות. אנחנו יודעים, כל חייל שלנו הוא עולם ומלואו. ואני אומר למשפחות היקרות, עם ישראל כולו איתכם בשעת יגונכם הכבד, הקשה מנשוא. ישראל כרוך זה סף, כי עוסקי סנה רוקגי נהי, אור חמאס קומיטי ממלאקה נדם לגי. इसके अलावा ईरान की धमकी और दूसरे आतंकी संगठनों की बमबारी का जवाब देने के लिए भी इजराइल पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में होने वाले सड़क हादसों पर केंद्र सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। खासकर दोपहिया वाहनों से जुड़े आंकड़े चिंतित करते हैं। जानकारी मिली है कि 2022 में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों में सबसे अधिक दोपहिया सवार थे। इनमें से 50,000 से ज्यादा वो लोग थे जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था। यानी हेलमेट नहीं पहनने की वजह से हर दिन 136 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं हर घंटे इस वजह से 6 लोगों की मौत हुई है। साल 2022 में 75,000 दोपहिया सवारों की मौत हुई, यानी 24 घंटे में 205 से ज्यादा दोपहिया सवार सड़क हादसे का शिकार हुए, जबकि हर घंटे 8 से 9 दोपहिया सवार हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। सड़क हादसों में जान गंवाने वालों में करीब 33,000 पैदल चलने वाले लोग भी शामिल थे। वहीं कार एक्सीडेंट में 2022 में करीब 21,000 लोगों ने दम तोड़ दिया। इनमें करीब 17,000 ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। पूरे देश में 2022 में 168,000 से ज्यादा लोगों ने सड़क हादसों में अपनी जान गंवा दी, जिसमें ओवर स्पीडिंग की वजह से होने वाले हादसों में 120,000 लोग मारे गए। वहीं नशे में ड्राइविंग की वजह से 2022 में 4,200 लोगों की मौत हुई। केंद्र सरकार की ओर से जारी इन आंकड़ों के मुताबिक 2022 में रॉन्ग साइड ड्राइविंग ने 9,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, जबकि मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की वजह से हुए हादसों में 3400 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसलिए जी न्यूज आपसे गुजारिश करता है कि यातायात नियमों का पालन कीजिए और सड़क पर बिल्कुल सतर्क रहिए, क्योंकि जान है तभी जहान है। जी न्यूज़।